कि पापा के पापा हैं। लोग कहते हैं कि कौन करता है रहता बात में। देखिए कोई भी दादा अपने पोते को हमेशा वही आशीर्वाद देगा कि जिस इंडस्ट्री में फ्यूचर हो। उन्होंने अपना अभी प्लस टू कंप्लीट किया है, सेकंड ईयर में है। इतनी जल्दी हो गया? पिछले साल में कैलकुलेशन। सो सेकंड ईयर में है और इनके साथ यंगस्टर्स भी हैं। जब ये मंच पे थे तो मैं इनको बोल रहा था कि बेटा आपको जिस एज में ये बिजनेस समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास आपका रनवे बहुत बड़ा है। जो लोग 60 साल की उम्र में सीख रहे हैं उनका रनवे थोड़ा छोटा है ना लाइफ का, है ना एनर्जी का। तो इन्होंने इनको दिशा दी, इन्होंने यही ट्रांसफॉर्मेशन कल्चर अपने बेटे को दी। एंड इट इज ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन इस विश्वास के लिए कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाने वाला बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बन रहा है, राइट? तो प्रदीप जी थोड़ा सा आगे आएंगे, मैं आपसे शेयरिंग चाहूंगा कि आपको आज कैसा लग रहा है। और थैंक यू, ओवर टू यू। सभी को नमस्कार। नमस्कार, जरा ढिला नहीं, जोर से बोल सकते हैं? नाम प्रदीप तनवर, जैसे सर ने बता दिया, इस बिजनेस में 4 साल, सितंबर में 4 साल हो गए, 2 महीने और लगभग। ये जर्नी ऐसी रही कि शुरू में मैं खुद इसे नहीं करना चाहता था। इससे पहले मैं कुछ एक दो कंपनी मैंने इससे पहले की थी, ऐसा नहीं है, उसमें भी अच्छा काम किया था, लेकिन उसका रिजल्ट लास्ट में यही आया था कि अगर आदमी होते हैं तो पैसे होते हैं, अगर आदमी नहीं है तो पैसे नहीं, ऐसा रहा उसमें। लेकिन इसके लिए मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे जो सीनियर हैं अजीत जी, पहले तो इनके लिए जबरदस्त तालियां कि अगर ये नहीं आते तो शायद मैं आज प्रेस्टीज में नहीं होता, क्योंकि मुझे नहीं करना था। मेरा माइंड सेट था कि मुझे नेटवर्किंग करनी ही नहीं है, एक बात। फिर जैसे इनसे मिला, फिर इनके जरिए मैं अपने एन एन शर्मा जी से, संजीव भारद्वाज जी से, इनसे कुछ सीखते सीखते फिर जब गुरुजी एक दिन घर ही पहुंचे तो मजा आ गया। उस दिन के बाद लाइफ टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ और आज उदय सिटी जी के हम सामने बैठे खड़े हैं। तो इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें लगता तो कुछ है नहीं, कुछ लगता है? हाँ जी ना जी तो बोलो। कुछ लगता है? क्या करना है, क्या करना है? दुकान बदलनी है, किसकी? और बिल्कुल खुद की दुकान बदलनी है, लोगों की दुकान बदलवानी है। काम वही करना है जो आप पहले से करते आए, वही काम करना है ना। तो इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम 3-4 थे, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता देता हूँ। एक नहाना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, चाय पीनी पड़ेगी, तड़का लगाना पड़ेगा, क्रीम पाउडर लगाना पड़ेगा। ये मुश्किल काम है? मुश्किल काम है? देखो ऐसे तो मेरी एनर्जी, मैं डीजल इंजन लेट गर्म होता हूँ, तुम कर ढीले चल रहे। कुछ नहीं है, बहुत आसान सा बिजनेस है। सिर्फ एक काम करना है कि अपलाइन से सीखते रहना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे सभी ने कहा है, एक कंपनी ने सिस्टम दिया है, सिस्टम से काम करें, सिस्टम के बाहर नहीं जाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो जो अपना दिमाग लगाते हैं वो सिस्टम से बाहर अपने आप चले जाते हैं, ऐसा आप लोगों ने नोट किया होगा, सभी को पता होगा। सिर्फ 3 से 5 साल, जैसा आपका सीनियर बोलता है आप उसकी बात सुने, उसकी बात समझे। देखो आपका सीनियर आपका घर का आपसे आपका घर का काम तो नहीं करवाएगा ना, एक बात माइंड सेट कर ले, अपने घर का काम तो नहीं करवा रहे ना। जब भी बात करेगा वेस्टीज की करेगा, वेस्टीज के बारे में बताएगा। तो 3 से 5 साल सुनने के लिए तैयार है? तो आप सभी कराउन है फिर इस बात पे, अगर आप सभी सुनने को तैयार है तो आप सभी कराउन है। मैं और अपने घर की बात करूं तो मेरे फादर साहब से कभी शुरू में जब मैंने पहली नेटवर्किंग की थी, तो सबसे मेरे पास, इससे पहले मैं क्लिनिक करता था हनी क्लिनिक के नाम, हॉस्पिटल के सामने 6 क्लिनिक थे मेरे पास। आज टोटल बंद कर चुका हूँ, फुल टाइम वेस्टीज कर रहा हूँ। तो जब मैंने एक क्लिनिक बंद किया, दूसरा किया, तीसरा किया, जब लास्ट को आया तो इनसे सबसे ज़्यादा गालियाँ बोली थी, भाई एक तो रख ले, काम कर ले कुछ, उसमें काम किया था। लेकिन उसमें कुछ एक चेक्स बड़े अच्छे आए, मतलब 4-4 लाख के चेक उठाए उसने, बोला अच्छा काम हुआ, 18 लाख उसमें कमाए, तो थोड़ा सा क्लियर हुआ कि करना चाहिए। आज मैं दिन में आता हूँ, रात में आता हूँ, कभी भी आता हूँ तो मुझे बल्कि सपोर्ट मिलती है, कहीं जाता भी हूँ अगर तो मेरे लिए कवरिंग होती है। जैसे रामपुर जा रहा हूँ, चल जल्दी मैं कमरा बुक करा देता हूँ, तो घर से सपोर्ट होना जरूरी है, घर में पता होना जरूरी है,
अब मुझे पता है कि मुझे इनकी स्पोर्ट से अगर मैं ग्राउंड बन सकता हूं तो ये कहां जाएगा? थैंक यू सो मच। देख रहे मैं उनसे अप्लायंस सीखो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ ऐसे, ये आपको बताइए। थैंक यू सो मच।